दोस्तों से मिलवाने वाला हूँ और हम लोग उनके दर्शनों को भी सुनने वाले हैं। ये दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ठीक है, क्या अब हम जाके हमारे दोस्त से मिले? चलो, वो हमारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो उससे मिलके बात करते हैं। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम हर्षिनी है। यीशु पिता ने मुझे बहुत से दर्शन दिखाए हैं, क्या मैं आपको बताऊं वो? यीशु पिता ने ये वाला पहला दर्शन दिखाया। शुरुआती प्रार्थना में यीशु पिता नीचे आए और उन्होंने मुझे गाने की संख्या बताई। उन्होंने मुझे 3 गीत बताए और अक्सर हम लोग वही 3 गीत गाते हैं। यीशु पिता संख्या बताते हैं और अभिषेक के दौरान यीशु पिता नीचे आए और मुझे स्वर्ग लोक लेकर गए। वहाँ उन्होंने मुझे बहुत सी सब्जियां और फल खाने के लिए दिए और उन्होंने बहुत से गेम्स खिलवाए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक उपहार दिया। मैंने जब वो खोला तो मुझे अंदर एक कीबोर्ड मिला। यीशु पिता ने फिर मुझे गीत दिया और वो गीत मैंने कीबोर्ड पर बजाया। इससे यीशु पिता की महिमा हुई और ये मेरा पहला दर्शन है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने सुना? ये मेरी दोस्त है। आप सबने उसके दर्शन को सुना? पता है, जब आप अच्छे से प्रार्थना करोगे ना, यीशु पिता आपको भी ऐसे दर्शन प्रदान करेंगे। और पता है, मेरी दोस्त ना पारिवारिक प्रार्थना को भी बहुत महत्व देती है, अच्छे से प्रार्थना करती है। आपको पता है कि मेरे दोस्तों के विषय में विशेषता क्या है? इनकी पारिवारिक प्रार्थना में यीशु पिता खुद ही इनको गीत देते हैं जो उनको गाना है। कितनी अचंभे की बात है ना, है ना? ठीक है ठीक है, मेरी दोस्त को एक बहन है और मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। क्या हम उसके दर्शनों को सुने? हाँ, चलो चलो सुनते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है साधना। यीशु पिता ने मुझे दर्शन दिखाया, क्या मैं आपको बताऊं? यीशु पिता मुझे स्वर्ग लोक लेकर गए। उनका चेहरा बहुत ही प्रकाशित था और उसके बाद उन्होंने मुझे 2 स्वर्गदूत दिखाए। यीशु पिता ने मुझे 2 स्वर्गदूत दिखाए और उन दोनों स्वर्गदूत के बीच में एक स्क्रीन था। स्क्रीन पर लिखा था यीशु पिता तुरंत ही आने वाले हैं और एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी उसके पास। उस बिल्डिंग के नीचे एक स्तंभ था, स्तंभ के पास एक बड़ा सा गड्ढा था और बहुत सारे लोग उस गड्ढे में गिर रहे थे और मैं वो देख रही थी। फिर यीशु पिता ने मुझे गिटार दिया। उसके बाद यीशु पिता मुझे स्वर्ग लोक से मेरे घर पर लेकर आए। क्या आपने साधना का दर्शन सुना? कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था ना? पता है, जो उसे दर्शन के विषय में समझ नहीं आता, वो उसके लिए यीशु पिता से प्रार्थना करती है। पता है यीशु पिता ने उसे क्या उपहार दिया है? एक गिटार। आपको भी अच्छा लगा ना? ठीक है, ऐसे ही गिटार और दूसरी वस्तुएं जो आपको जरूरी है, यीशु पिता आपको दर्शन में जरूर देंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अच्छे से प्रार्थना करनी है। चलो दोस्तों, हम अब अगले दर्शन को सुनते हैं।
जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। मैं वहाँ पे उनकी आराधना कर रही थी, फिर वो मुझे स्वर्गलोक के अंदर लेके गए और वहाँ पे 24 बुजुर्ग उनकी आराधना कर रहे थे। वहाँ स्वर्गलोक में दाऊद नाच भी रहे थे, मैंने वो देखा और मैं भी प्रभु की आराधना कर रही थी। सब वहाँ पर उनकी आराधना कर रहे थे और यीशु पिता मुझे एक बागीचे में ले गए। वहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ थी उस बगीचे में, मैंने उन्हें देखा और उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की, पर यीशु पिता ने कहा कि मैं उनको ना पकड़ूं। उसके बाद मैं घर आ गई। पारिवारिक प्रार्थना के दौरान यीशु पिता ने अपना अभिषेक मुझ पर उंडेला। उस अभिषेक के दौरान यीशु पिता नीचे आए और मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। स्वर्गलोक में यीशु पिता ने मुझे फूलों का एक गुच्छा दिया। उसके बाद वो मुझे एक बगीचे में लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर मुझे बहुत सारे फल और फूल दिए। यीशु पिता ने मुझे बहुत सारे फल दिए खाने को। उनको खाने के बाद यीशु पिता ने मुझे एक तलवार दी, उससे मैंने शैतान को मार डाला और घर वापस आ गई। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। वहाँ मैंने यीशु पिता की आराधना की। यीशु पिता ने कहा कि मैं बादलों की तरफ देखूं। जब मैंने बादलों की तरफ देखा, उनके दो हिस्से हो गए थे और वहाँ पर लिखा था यीशु पिता शीघ्र ही आ रहे हैं। यीशु पिता के बहुत सारे दर्शन सुनाए, उसमें से एक महत्वपूर्ण दर्शन सुनाऊं आपको। एक दिन हमारी पारिवारिक प्रार्थना के दौरान यीशु पिता नीचे आए और उन्होंने अपना हाथ मुझ पर रख के मुझे आशीर्वाद दिया। और अभिषेक के दौरान यीशु पिता नीचे आकर मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। वहाँ उन्होंने मुझे पंख दिए, पंखों को पहनकर मैं उड़ने लगी। उसके बाद वो मुझे एक सुनहरे बगीचे में लेकर गए। उस सुनहरे बगीचे में एक सुनहरी साइकिल थी, वो साइकिल बहुत ही सुंदर थी। साइकिल चलाने के बाद यीशु पिता ने मेरा फिर से अभिषेक किया और उसके बाद यीशु पिता मुझे मेरे घर पर छोड़ कर गए। मुझे लगता है कि आपने मेरे दोस्तों के बताए हुए दर्शनों को सुन लिया है। अच्छा लगा ना? अब आपके लिए एक सरप्राइज है। पता है सरप्राइज क्या है? मेरे दोस्त आपके लिए गाने वाले हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो ना? मेरे दोस्त जो है ना, बहुत सुंदर तरह से गाते हैं। मुझे भी उनके गीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चलो उनका गीत जाकर सुनते हैं। दोस्तों, अब हम गाने वाले हैं, क्या आप भी हमारे साथ गाओगे?
खत्म नहीं हूँ, पराजित नहीं हूँ, फिर भी जीवित हूँ, कठिनाई खत्म नहीं है, कष्ट खत्म नहीं हुए, फिर भी मैं कैसे जीवित हूँ। खत्म नहीं हूँ, पराजित नहीं हूँ, फिर भी जीवित हूँ, कठिनाई खत्म नहीं है, कष्ट खत्म नहीं हुए, फिर भी मैं कैसे जीवित हूँ। कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 कृपा। ना ही मैं हूँ, ना मेरी शक्ति, ना मेरी प्रतिभा, पर सिर्फ कृपा। ना ही मैं हूँ, ना मेरी शक्ति, ना मेरी प्रतिभा, पर सिर्फ कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 कृपा। पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, ना ही कोई ओहदा है, फिर भी कैसे जीवित हूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, नष्ट नहीं हुई हूँ, जीवित कैसे हूँ मैं ये। पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, ना ही कोई ओहदा है, फिर भी कैसे जीवित हूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, नष्ट नहीं हुई हूँ, जीवित कैसे हूँ मैं ये। कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 कृपा। अद्भुत चीजें होती है, चमत्कार होते हैं, बीमारियां ठीक कैसे होती है, पाप चले जाते हैं, श्राप टूट जाते हैं, पवित्र कैसे जीती हूँ मैं ये। अद्भुत चीजें होती है, चमत्कार होते हैं, बीमारियां ठीक कैसे होती है, पाप चले जाते हैं, श्राप टूट जाते हैं, पवित्र कैसे जीती हूँ मैं ये। कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 सब कुछ कृपा 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 कृपा। दर्शनों को सुन लिया ना, वो दोनों अपनी पारिवारिक प्रार्थना के दौरान दर्शन देखते हैं। हाँ, और यीशा पिता ने उनसे रोज बात करना शुरू कर दिया है। इसका कारण ये है कि वो यीशा पिता की आराधना बहुत अच्छे से करते हैं और यीशा पिता उस आराधना से बहुत ही खुश है, और तभी वो नीचे आते हैं स्वर्गलोक से तुमसे बात करने। ठीक है ठीक है, अब हमें जानना चाहिए कि उनकी मम्मी उनके बारे में क्या कहना चाहती है। चलो सुनते हैं उनको। हेलो एंजल कुटीज, मैं हर्षिनी और साधना की मम्मी हूँ। बचपन में उनको बहुत सारी बीमारियाँ हुआ करती थी दोनों को, और मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली उनके जन्म के दौरान, और जब वो मेरे गर्भ में थे तब भी। तो हर दिन मैं प्रभु की स्तुति करती थी और प्रभु के सामने उनके लिए प्रार्थना करती थी, और तभी उनका जन्म हुआ। उनकी डिलीवरी के दौरान मुझे काफ़ी उलझने हुई थी, और उनके जन्म के बाद उनको बहुत बुखार आता था अक्सर, और प्रार्थना के द्वारा ही उनकी चंगाई होती थी। और उसी समय पे हमने एंजल टीवी देखना शुरू किया। छोटे बच्चों को अपने दर्शन बताते हुए मैंने भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू की कि उन्हें भी इस तरह का अभिषेक प्राप्त होना चाहिए। यीशु पिता ने मेरी पहली बेटी को, जब वो संडे क्लास में थी, तब उसे अभिषेक प्रदान किया।
हम लोग एंजल टीवी देखते थे और प्रार्थना करते थे और वो हमें दर्शन दिखाते थे। उनके अभिषेक से वो अन्य भाषाओं में बात करने लग गई। जब मैंने मेरी दूसरी बेटी के लिए प्रार्थना की कि उसे भी अभिषेक प्रदान हो, तो उसने प्राप्त किया और फिर दोनों ने दर्शन देखना शुरू किया। मैंने अपने पति के मोक्ष के लिए रोकर प्रार्थना की और मेरे बच्चों के दर्शनों में मुझे सांत्वना मिलती थी और धीरे धीरे मेरे पति भी बदल गए और वो नियमित रूप से चर्च भी आने जाने लग गए। जब भी मुझे कोई भी चिंता होती थी, समस्या होती थी और मैं उसके विषय में प्रार्थना करती, मेरे बच्चों के द्वारा यीशुवा पिता मुझसे बात करते और उससे मुझे बहुत सांत्वना मिलती थी और हम लोग प्रार्थना करते। यीशुवा पिता देशों के विषय में और प्रार्थना के पॉइंट्स बताते थे और हम उस विषय में रोज़ प्रार्थना करते। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह सुबह जल्दी प्रार्थना करो, तो हम सुबह 5 बजे प्रार्थना करते हैं और उसी तरह से शाम को 1 घंटे के लिए 7 से 8 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशुवा पिता ने ही हमें ये समय प्रदान किया है। हमारी पारिवारिक प्रार्थना के दौरान प्रभु हमें बहुत शक्ति के साथ भरने लग गए और उन्होंने हमें बहुत सारे दर्शन दिखाए। मेरे बच्चे बढ़ने लगे आत्मिकता में और उन्हें बहुत सारे दर्शन दिखाई देने लग गए, दर्शन उनके बढ़ गए। जब मैं अपने पति के लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना कर रही थी, मेरी बेटी साधना ने एक दर्शन देखा और मुझे बताया। उसके दर्शन में हमारा घर जो है वो बादलों से भरा हुआ था और हम चारों बैठे हुए थे और इनके जो पापा हैं वो हमें प्रभु के विषय में बता रहे थे और उसके बाद वो नियमित रूप से चर्च आने जाने लगे और वो जो दर्शन मेरे बच्चों ने देखा वो सचमुच सच हुआ और उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बेटी ने पढ़ाई में अव्वल आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर यीशुवा पिता ने उसे कहा कि वो उसे ज्ञान प्रदान करेंगे, पर उसके लिए उसे जल्दी उठना है और सुबह सुबह पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही उसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। और इसके बाद ही उसने पहला नंबर प्राप्त किया, पढ़ाई में वो पहली आई और यीशुवा पिता ने अपना अनुग्रह प्रदान किया है ताकि उसे बहुत से उपहार प्राप्त हो और वो हर गतिविधि में पहली आए। और बहुत बार उसकी स्कूल में भी जब कोई बीमार होता है तो वो उसे प्रभु के विषय में बताती है और प्रार्थना का तेल देती है। एक बच्चे को त्वचा की समस्या थी तो उसने उसे प्रार्थना का तेल दिया और हम सब ने उसके लिए हमारे घर में प्रार्थना की तो वो ठीक हो गई। और वो लोग बताते हैं अगर कोई बीमार है और हम लोग सब साथ में प्रार्थना करते हैं उनके लिए और वो लोग ठीक हो जाते हैं। एक बच्चे को त्वचा की जो समस्या थी तो मैंने उससे कहा कि उसको प्रार्थना का तेल दो, तो उसने प्रार्थना का तेल दिया और उसे अपनी त्वचा पर लगाने को कहा, वो ठीक हो गई। और वो भी यीशुवा पिता के विषय में दूसरे बच्चों को बताती है। मुझे ऐसे बच्चे देने के लिए मैं यीशुवा पिता का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, क्या आपने मेरे दोस्तों के दर्शनों को सुना? उन्होंने गीत भी गाया। क्या आपको पसंद आया? मुझे तो बहुत पसंद आया। ठीक है, अब मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब तक आप लोग बहुत ज्यादा दुखी थे ना? छे, कोई बात नहीं, यही सोच रहे हो ना कि यीशु पिता साधना और हर्षिनी को ही दर्शन दिखा रहे और आपको नहीं दिखा रहे है? हाँ, ऐसा सोच रहे हो ना? यीशु पिता आपको भी प्रदान करेंगे। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी उनके साथ प्रार्थना करो। अपनी आंखें बंद कर लो और अच्छे से प्रार्थना करो, तभी यीशु पिता तुम्हें दर्शन प्रदान करेंगे। चलो प्रार्थना करते हैं दोस्तों। हाय एंजल कुटीज, इतनी देर तक आपने हमारे दर्शनों को सुना, क्या आप भी दर्शन देखना चाहोगे? फिर हमारे साथ प्रार्थना करो। हमारे प्यारे स्वर्गिक पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए। आज एक और बार हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं यीशु पिता। जैसे आपने अपना अभिषेक हम पर उंडेला, उन सब एंजल कुटीज पर उंडेलिए जो ये देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कार्यक्रम यीशु पिता, योएल के 2 अध्याय और 28 वचन के अनुसार अभिषेक उंडेलिए, उन सबकी मदद कीजिए। योद्धा, भविष्यवक्ता और शहीद बनने के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं यीशु पिता, उन पे अपना अनुग्रह बरसाइए ताकि वो आपके योद्धाओं की तरह खड़े हो सके। आपके अंतिम दिनों का अभिषेक उन पर उंडेलिए यीशु पिता, उन्हें अपना अनुग्रह दिखाइए ताकि वो अंतिम दिनों के युद्ध में भाग ले सके। यीशु पिता आप पूरा नियंत्रण लीजिए, एंजल कुटीज की रक्षा कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उनको आशीर्वाद दीजिए और उनके परिवार को भी आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता एंजल कुटीज को आशीर्वाद दीजिए पर अपना अभिषेक उंडेलिए
और उन्हें अन्य भाषाओं में बात करने का उपहार दीजिए। आपके लिए खड़े होने और प्रकाशित होने के लिए मदद कीजिए। आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद कीजिए यशो पिता। आप नियंत्रण दीजिए यशो पिता। सब एंजल कुटीज की अगुवाई कीजिए। आपके मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन कीजिए उनका यशो पिता। योएल के दूसरे अध्याय और 28वें वचन के अनुसार अपना अभिषेक उंडेलिए यशो पिता। जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन पर ये अभिषेक उंडेलिए और उनका इस्तेमाल कीजिए यशो पिता। अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपनी शक्ति से उन्हें भर दीजिए यशो पिता। आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करती हूँ यशो पिता। धन्यवाद यशो पिता कि आप एंजल कुटीज का अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं यशो पिता। धन्यवाद कि आप अपना अभिषेक उन पर उंडेल रहे हैं यशो पिता। उनको शैतान को मारने के लिए मदद कीजिए यशो पिता और योद्धाओं की तरह खड़े होने के लिए अनुग्रह प्रदान करने के लिए धन्यवाद यशो पिता। यशो पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सारे दर्शन सुन लिए ना जो मेरे दोस्तों ने बताया आपको? अच्छे लगे ना? ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अगली बार हम एक नए दोस्त से मिलेंगे। बाय दोस्तों। बाय। अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, बिल्ली बक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।